मेरा मतलब नंबर्स ऑफ सिनेमा इज अराउंड 340 नियर अबाउट. कंटेंट इज द अल्टीमेट, वो वेब सीरीज हो, फिल्म हो, टेलीविजन हो, कुछ भी, कंटेंट इज द अल्टीमेट. आई एम टॉकिंग अबाउट कांतारा. नोबडी थॉट व्हाट इज दिस फिल्म, इट बिकॉज इट्स टच्ड योर हार्ट. एंड वो रूट के बारे में कह रहे थे. मैं ढूंढता हूँ, मेरे को टफेस्ट दो, टफेस्ट दो, टफेस्ट दो, डिफरेंट दो, डिफरेंट दो. आदमी को नहीं लगना चाहिए कि मैं प्रसन्नजीत हूँ. देखिए, सिनेमा का लैंग्वेज अलग हो सकता है, सिनेमा का और कुछ अलग नहीं होता है. अगर मैं पहले बोल दूँ कि ये फिल्म हिट होगा, ये फिल्म फ्लॉप होगा, तो देन आई एम गॉड, वी आर नॉट गॉड. हाय, दिस इज प्रसन्नजीत चटर्जी वॉचिंग फिल्म बिट. थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, लव यू. हेलो एवरीवन, मैं हूँ सुरबीरन सिंह और सभी का वेलकम है फिल्मी बीट में. आज हमारे साथ एक ऐसे एक्टर हैं जिनके इंट्रोडक्शन में जितना भी कहा जाए वो कम है. उन्होंने बंगाली सिनेमा में भी राज किया है, बॉलीवुड फिल्मों में भी कमाल की फिल्में उन्होंने दी है. साथ ही अभी आई है जुबली, जिसमें श्रीकांत रॉय से उन्होंने इस कैरेक्टर से लोगों का दिल जीत लिया है. मैं बात कर रही हूँ प्रसन्नजीत चटर्जी की. सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है फिल्मी बीट में. थैंक यू जी, थैंक यू सो मच. या हाँ जी, मैं बहुत खुश हूँ. मेरा मतलब नंबर्स ऑफ सिनेमा इज अराउंड 340 नियर अबाउट. और उसके ऊपर बहुत सालों के बाद मैंने एक OTT में मेरा डेब्यूट है ये जुबली. और बहुत खुश हूँ क्योंकि सारे बंगाल के ऑडियंस को मेरा बहुत सारे काम देखा, वो भी बहुत सालों से कह रहे हैं कि सर आप कुछ करो. तो और ऐसा एक रोल मिलना भी बहुत मुश्किल है. बट टुडेज डेट वी ऑल आर एंजॉयिंग द सक्सेस ऑफ जुबली nationally, internationally, हमारे इंडस्ट्री वाले critically. So I think this is a wonderful moment and thanks to Vikram for making us all work really good. सर, यही किरदार आपने क्यों चुना OTT में डेब्यू करने के लिए? बिकॉज आई एम श्योर इसके पहले भी आपके पास कई सारे ऑफर्स आए होंगे, कई सारे किरदार आए होंगे. वैसे तो सीरीज देख के पता चलता है कि बहुत खास बात है किरदार में, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे. हाँ जी, एक तो है ना, काम वैसे तो है ही, OTT में बहुत सारे काम, ऑफर्स भी आए. मैं कलकत्ता में रहा तो मेरा जो टीम है, वैसे नहीं है सारे काम बहुत अच्छे हैं, बट मुझे थोड़ा सा क्या है, मैं लास्ट 10-11 साल से वैसे भी मैं जो सब काम करता हूँ इन माय ओन लैंग्वेज आल्सो इज़ वेरी वेरी टफ. मैं ढूंढता हूँ, मेरे को टफेस्ट दो, टफेस्ट दो, टफेस्ट दो, डिफरेंट दो, डिफरेंट दो. आदमी को नहीं लगना चाहिए कि मैं प्रसन्नजीत हूँ. तो वो करते करते वो थोड़ा सा मेरा वो हो गया. मतलब देन ऑफ कोर्स आई एम वर्किंग विद ऑल न्यू डायरेक्टर्स नाउ. बंगाल में भी सारे नए हैं, दे आर डूइंग फैंटास्टिक जॉब. तो विक्रम वाज वन ऑफ दो, यू नो, आई रियली वांटेड टू वर्क. मेरा लास्ट पिक्चर भी दिवाकर जी के साथ थे एंड ही इज़ अ वंडरफुल डायरेक्टर. तो एक तो वो डायरेक्टर, मेरे मैंने जब सब्जेक्ट उसने नैरेट किया, मैंने बोला ये तो आदमी कुछ और ही करने वाले हैं, मतलब वो समझ गया. देन कौन सा एक्टर, अब मैं आई एम टेलिंग यू, कोई भी एक्टर श्रीकांत रॉय जैसा ऐसा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को छोड़ेंगे, मतलब आई डोंट थिंक सो. एंड फोर्थ या फिफ्थ आई विल से विक्रम. फर्स्ट टोल्ड मी वन थिंग, कि वो तो सारे इंटरव्यू में बोला कि वन ऑफ दोज पहले से जो मेरे माइंड पे है कैरेक्टर श्रीकांत रॉय इज दादा. एंड समवेयर इट वॉज अदिति इन हिज माइंड. सो इन ऑल ऑफ दोस्त की मुझे लगा कि ये कुछ और बनने वाले हैं. और श्रीकांत राय, इट्स नॉट दैट ओनली, देखिए अगर मैं बहुत अच्छा काम किया ना तो आप मेरे इंटरव्यू अबाउट जुबली नहीं लेते थे. मुझे लगता है कि जुबली का जो खूबी है वो है हर डिपार्टमेंट हीरो है. और ये एक ऐसा सीरीज बन गया ना, आफ्टर 20-25 साल के बाद भी ना आदमी जब बोलेंगे ना कि एक सीरीज का बहुत चेंज, आई एम श्योर आफ्टर 20 देयर विल बी समथिंग वेरी डिफरेंट. तो आदमी लोग रेफरेंस लेते हैं, लेंगे मुझे लगता है. तो मुझे लगा था कि वो उसी ट्रिप पे है, तो आई शुड डू दिस. सर, मेरे एक साथ दो सवाल हैं. एक तो OTT इतना बड़ा हो चुका है, लेकिन लोग कंटेंट ढूंढते हैं, फिर चाहे वो सीरीज़ हो या फिल्में हो. आजकल बॉलीवुड फिल्मों की बात करें तो लोग इतना ज़्यादा बॉलीवुड फिल्मों की तरफ या कंटेंट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं जितना वो दूसरी लैंग्वेजेस की फिल्मों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, फिर चाहे वो साउथ की फिल्में हो या बंगाली फिल्में हो. सो आपको क्या लगता है कितना बड़ा रोल है कॉन्टेंट का? कॉन्टेंट देखिए, या बॉम्बे हो या साउथ हो या बंगाल हो या हॉलीवुड हो या मराठी हो, कंटेंट इज़ द अल्टीमेट. वो वेब सीरीज़ हो, फिल्म हो, टेलीविजन हो, कुछ भी, कंटेंट इज़ द अल्टीमेट. हाँ, कभी कभार ऐसा होता है कि कोई स्टार या कोई एक्टर या तो कोई गाना, म्यूज़िक,
कभी कभी एक पिक्चर को ऊपर ले जाता है। ये बहुत एग्जाम्पल्स हैं। फिल्म मोर ऑर लेस ओके है, बट एक गाने के लिए पिक्चर सुपर हिट है। दैट ऑल आर देयर इन रिकॉर्ड्स, बट कॉन्टेंट इज द अल्टीमेट। दैट इज वन। एंड whoever the actors are, if it they fit into the content, then they become a star. But content agar sahi nahi ho, aap ek cheez bataiye, aaj bhi hum log Shole ke bare mein agar baat kare, do you think it was a bad content? It was one of the finest script written in Indian cinema. To har matlab content and script has to, and we always say that is the strength. Wo agar sahi ho to sab kuch nikal jayega. Even weak acting will take forward because your script is good. सर अगर बात करें, वैसे तो एक्टर को जैसा भी काम हो पसंद ही आता है, लेकिन अगर आपकी बात करें तो आप बंगाली फिल्में करना ज़्यादा पसंद करते हैं, ज़्यादा एंजॉय करते हैं या बॉलीवुड में? बॉलीवुड तो मैं कुछ मतलब एंजॉय नहीं, मैं सिनेमा करना चाहता हूँ। कल मैं शायद कोई मराठी पिक्चर करूँगा, या तो कल मैं कोई तमिल करूँगा, या तो कल मैं कोई पंजाबी पिक्चर हो, मैं वैसे ही एंजॉय करूँगा। देखिए, सिनेमा का लैंग्वेज अलग हो सकता है, सिनेमा का और कुछ अलग नहीं होता है। इट्स माई थिंग, लाइक यू नो। सो कैमरे के सामने कोई भी कैरेक्टर को बिल्ड करके करना वही एंजॉयबल है। मतलब अगर वो नहीं है तो मैं नहीं करूँगा, अगर मैं वो एंजॉय नहीं करूँगा तो मैं काम ही नहीं करूँगा। वो बंगाली हो, हिंदी हो, तमिल हो, तो अगर मैं कैरेक्टर मेरे को वो लगे ना है इस पर, आई कैन शो इट, कोई भी लैंग्वेज में हो, आई विल डू इट, आई शुड एंजॉय इट। ओके सर, अगर बात करें पूरी, अभी देखा जाए तो जैसे कि कोई भी लैंग्वेज में फिल्में बनती हों इंडिया में, पूरा इंडियन सिनेमा अब एक हो चुका है, क्योंकि इतनी सारी पैन इंडिया फिल्में आती है और लोग उसे बहुत इन्जॉय भी करते हैं। तो सर, आपको क्या लगता है कि अगर पूरे इंडियन सिनेमा की बात करें तो वो तीन लंबी रेस के घोड़े आपको कौन लगते हैं एक्टर्स में? वो ये मैं कैसे इसका आंसर दूँ, ये बहुत ही कर्मण वाला आंसर है। सभी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, न्यू जनरेशन डूइंग सो गुड। बॉम्बे हो, तमिल हो, तेलुगु हो, बंगाल हो, सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और वो तो डिसाइड करने वाले एक ही आदमी होता है, मैं बिलीव करता हूँ, वो ऊपर वाले। और उससे ज़्यादा पावर तो किसी के पास है नहीं। अगर मैं पहले बोल दूँ कि ये फिल्म हिट होगा, ये फिल्म फ्लॉप होगा, तो देन आई एम गॉड, वी आर नॉट गॉड, गॉड इज़ अल्टीमेट। बट हाँ, दिस इज वंडरफुल टाइम। स्पेशली मैं एक चीज़ बताऊँ, वी ऑल आर सेटिंग, वी आर वर्किंग फॉर लास्ट 30 years, 40 years। हम सब इंडियन फिल्म बनाते हैं, पहले भी इंडियन फिल्म बनाते थे, आज भी इंडियन फिल्म बनाते हैं। आज के डेट में नेटवर्किंग अलग हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन अलग हो गया, आपको देखने का मौका ईजी हो गया कि आप रात को जाके बैठ के एक क्लिक किया तो आप एक मराठी पिक्चर देख सकोगे, आप एक बंगाली देख सकोगे, आप एक मलयाली देख सकोगे। दैट इज़ अ टेक्नोलॉजी। इसीलिए क्या हो रहा है, ऑडियंस आर गेटिंग कनेक्टेड। मैं कलकत्ता में बैठ के मेरा 10,000 आदमी देख रहे हैं शायद एक मलयाली शो या तो एक मलयाली फिल्म, तो दैट इज़ अ एक्स्ट्रा 10,000 पीपल वॉचिंग इट। शायद किसी को पसंद आ गया जुबली, मेरा नाम टाइप किया, और मेरा 50 पिक्चर आ जाएगा अमेजन। तो ये आदमी अच्छा काम किया, देखता है उसका, सडनली उसका सब्जेक्ट अच्छा लगा तो वो देखना शुरू कर दिया, तो वो मेरा एक्स्ट्रा ऑडियंस। इस तरह से ये टोटल टेक्नोलॉजी, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन एंड वो मतलब आउटलेट ऐसा हो गया ना, तो आज आहिस्ता आहिस्ते ऑडियंस बढ़ रहे हैं, और पीपल आर गेटिंग हैबिचुएटेड। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आज पैन इंडिया बोलते हैं, 18-20 साल पहले चोखेरवाली मणिरत्नम सर ने बनाया था रोजा, वो फिल्म बनाई थी, वो कोई पैन इंडिया सोच के नहीं बनाया था, वो फिल्म सारे इंडिया के सारे ऑडियंस देखे। नोबडी कैन से आई हैव नॉट सीन रोजा, हॉल के सामने लाइन लग जाती थी। चोखेरवाली फिल्म अगर अच्छी हो ना, हर जगह पे देखेंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट कांतारा, नोबडी थॉट व्हाट इज दिस फिल्म, इट बिकॉज इट्स टच्ड योर हार्ट, एंड वो रूट के बारे में कह रहे थे। एवरी हमारे इंडिया में इतना सारे रीजन्स है ना, हर रीजन में एक स्टोरी है, अगर उसे दैट इज़ अ न्यू एक्सपीरियंस यू आर गिविंग टू इन टू द ऑडियंस, व्हाट ऑडियंस वांट्स, अब मैं बैठ कर देखूंगा, नया एक्सपीरियंस देखूंगा। सो आई थिंक एवरी रीजन हैज देयर ओन स्ट्रेंथ, अलग अलग स्ट्रेंथ है। आई थिंक दैट इज़ व्हाट, नेटवर्किंग चेंज हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हैज चेंज्ड, नथिंग हैज चेंज्ड। देखा जाए तो एंड ऑफ दैट इज अ गुड सिनेमा एंड बैड सिनेमा।
तो मैं सबके साथ कोई एक ऐसा इंसिडेंट जो काफ़ी फनी रहा हो या कुछ जो आप शेयर करना चाहो सबके साथ जो आपने। एक तो है मेरा विनोद मतलब मेरा मदन कुमार, वो मैं आई थिंक इन द एंटायर शूट वो मेरा फेस देख के समझ जाता था। मैं वैसे भी थोड़ा सा चुपचाप हूँ, मतलब आई सिट लाइक एंड सीनियर मोस्ट, बट उसको पता चल जाता है कि सर आप यू आर फीलिंग हंग्री। और इस अपर के पास खाने का मतलब वो है डिपार्टमेंट्स हैं, सर ये वो, मेरे को फीट वही करवाते थे। अदिति वाज सो गुड, शी इज़ अ डॉल एंड शी इज सो गुड, शी इज सो डार्लिंग हेल से। मतलब मैं कभी भी सेट में ऐसा नहीं हुआ कि शायद मैं वैसे भी मैं खड़ा रहना आई लव टू स्टैंड, दादा मैडम सर प्लीज़ आप बैठे, दादा आप बैठे, ही विल शी विल मेक मी सेट। देवर एवरीबडी वॉज सो फैंटेस्टिक, हाउ डू आई से, एवरीबडी वॉज सो अफेक्शनट एंड फैंटेस्टिक एंड देवर आई लॉट ऑफ लव एंड रेस्पेक्ट ऑन सेट। आई वॉज रियली इमोशनली लाइक, वो देखिए वो एक्ट इवन माई डायरेक्टर टू कैमरा मैन एवरीबडी ट्रीटेड मी सो वेल लाइक विद रेस्पेक्ट एंड लव। आई थिंक आई ऑल्सो कुड गिव माई बेस्ट बिकॉज ऑफ दैट, आई नेवर फेल्ट कि मैं यहाँ पर आके शूट कर रहा हूँ। आई बिलीव मी आई नेवर फेल्ट दैट from the day one. That's amazing. So, आगे और क्या कुछ projects आपके आने वाले हैं जो audience से share करना चाहें? I think before this also I had a lot of projects. मुझे एक श्रीकांत रॉय चाहिए, विक्रमादित्य मोटवानी जैसे अच्छा director और एक character जिसे मैं थोड़ा सा आदमी लोगों को कुछ अलग दिखा मतलब I don't want to go into that, some new experience. वैसा character मिलना बहुत मुश्किल है, let's see. थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए और इतना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए एट लास्ट फैन से कुछ। हाँ बिल्कुल, आई एम सो हैप्पी आप लोगों ने जुबली देखा और या श्रीकांत रॉय को अच्छा लगा आप लोगों को, हर कैरेक्टर्स बहुत अच्छे थे। और यार जिसने नहीं देखा प्लीज़ आप लोग देख लीजिए और प्लीज़ बताइएगा और मुलाकात होगी, खुश रहिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस। थैंक यू सो मच सर।